खुशकिस्मती की बात है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एक मिनट ऐसे एक पिक्चर ही लेता हूँ जब हम डिस्ट्रिक्ट की हालत एजुकेशनली देख रहे थे तो खुदा हाफिज से लगता था कि किस तरह से हम स्कूलों को आगे बढ़ाएं। जब हम एनरोलमेंट की बात कर रहे थे या स्कूलों में देख रहे थे तो मुझे कोई यकीन नहीं था कि हम जो डिप हो रहा है एनरोलमेंट उसको हम वापस स्ट्रीमलाइन कर और वापस अपनी जगह पर लाएं। लेकिन जितने भी आप मैम सामने देख रहे हैं, जितने भी मेरे साथी हैं प्राइमरी स्कूल लेवल के टीचर से लेकर और जो एक ग्रुप मेरे साथ दिन रात काम कर रहा है, सामने है मिस्टर हारून है, यहाँ सजाद साहब है, इशफाक साहब है और हमारा टारगेट जो है 98.4 इंशाल्लाह हम उसको अचीव करेंगे। इसी तरह जो अपर पैमेंट है ये 96.71 था और आज ये 97.24 हो गया है। मैम यहाँ पर हम गर्म टॉयलेट की बात कर लेंगे या 99.5% था ये हमें 2018 में और आज ये 99.5% हुआ है। मैं ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी के हवाले से मैं बात करूं कि हमने 100% टारगेट अचीव किया है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे हाई टायर में होती है इसकी और इसी तरह से हम देख रहे थे कि जब हमारा नया इसका रिजल्ट आया था 2017 में उस वक्त हम 3% थे। मैं चाहूँगा कि आज की जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बच्चों को हमने अभी बायजूस के भी जो टैब्स दिए हैं जिन्होंने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई उनको हम बायजूस के भी टैब्स हमने दिए ताकि वो और ज़्यादा मेहनत कर सकें और उनकी कोचिंग 2 साल तक चलती रहेगी। हर दिन 2 घंटे की कोचिंग ये रहेगी ऑनलाइन। तो इस तरह से हम वी आर मैरिंग अप आर IT एज वेल एज कन्वेंशनल जो हम पढ़ाते हैं एजुकेशनल सिस्टम को। तो इवन हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अगर आप वो भी देखें तो उसमें IT टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है बिकॉज हर जगह हर तरह का टीचर हर सब्जेक्ट का टीचर पहुंचना और उसकी उस लेवल की क्वालिफिकेशन होना मुश्किल है। इसलिए हमें IT का जो है यूज़ करना है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने बायजूस के साथ एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट
हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और हम इन बच्चों को सेलेक्टेड बच्चों को हमने ये टैब्स भी दिए हैं। इसी के साथ साथ हम जितना भी आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने बोला कि हम जितना भी हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अवार्ड मनी आता है हम उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि और ज़्यादा जो है हमारे लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव हों। हमारे आईटी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हम बनाना चाहते हैं वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं जल्द से जल्द उसको इनॉग्रेट करूँ ताकि हमारी टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग भी होती रहे। आपके जो डाइट है एक है वो इनसफिशिएंट है, मल्टीपल डाइट्स हमने प्रपोज किए हैं ताकि टीचर्स की भी रेगुलरली ट्रेनिंग होती रहे। देखिए नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मतलब नॉलेज प्रूफ नहीं होना चाहिए। इवन टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा था अपने ज़माने में वही चीज़ सही है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है, इनोवेशंस हो रही हैं, जो हमारी डिस्कवरीज हैं वो हो रही हैं, इसलिए आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हम जो है वो रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे भी डाइट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपकी डिजिटल स्टूडियो है वो भी एक मेरा मतलब इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल स्टूडियोज का। वो कब तक हो जाएगा वो मैं चाहती हूँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर इसी महीने जो है अक्टूबर में हम उसको भी इनॉग्रेट करें। उस पर भी हमने अवार्ड मनी दिया है आप लोगों को। और इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स के लिए है तो मैं हमारे जो पार्टनर्स हैं पीरामल फाउंडेशन से तो उनको हमने दो ही टास्क दिए। एक तो हमारे बच्चों की हेल्थ लेटे हुए हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इट इज़ बिकॉज दे आर हैविंग सर्टन मेडिकल कंडीशंस जिनको हम इग्नोर करते हैं और हम बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, वो पढ़ना नहीं चाहते, लटर मस्ते हैं, दे आर मोर दे डोंट वांट टू स्टडी। बट द बेसिक पर्पस जो है आज जो हम करना चाहते हैं बारामूला में वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई सच पीपल, सच गर्ल्स, सच बॉयज जिनको अनिमिया है, जिनको और किसी तरह की वीकनेसेस हैं और उनको हम अनिमिया मुक्त जो है करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक पूरा रोड मैप बनाया हुआ है और उनको भी हम समझा रहे हैं कि किस तरह से डाइटरी हैबिट्स भी इम्प्रूव करके वो अपना अनिमिया लेवल्स नॉर्मल ला सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हम पीएमएल के साथ कर रहे हैं इट इज़ अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। उसमें भी हमने जोन्स डिवाइड किए हुए हैं और जो हमारे वर्स्ट परफॉर्मिंग जोन्स हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें हम बच्चों को एक नई टेक्नोलॉजी मतलब एक नया तरीका जो हमारे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज या डिग्रीज कर ली है या अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम वॉलंटियर्स उधर से भी ले रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं आफ्टर स्कूल आवर्स भी एक एक घंटे की एक्स्ट्रा क्लास वो उन बच्चों को स्पेसिफिक जोन्स में दे सके और उनके लर्निंग आउटकम जो है मैथ्स में, साइंस में और ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें हमने देखा ट्रेडिशनली मार्क्स कम आ रहे हैं हमारे बच्चों के तो उनको हम इम्प्रूव कर सकें। ये भी हम कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू टेक देयर रिपोर्ट ऑल्सो कि उन्होंने कितना किया पिछले एक दो महीने में। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। जो हमारी इस साल का जो हमारे मैं समझती हूँ अचीवमेंट है कि हमने इतने किंडर गार्डन जिसमें सीओ साहब भी बता रहे थे कि 18 जो है वो 2020 में तो किए ही थे लेकिन इस साल हमारे और 36 जो है स्मार्ट स्कूल्स और 18 किंडर गार्डन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे जो प्राइमरी लेवल जो बुनियाद बनती है बच्चे की चाहे वो हेल्थ वाइज हो एजुकेशन वाइज हो वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे बनती है तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा टीचर इन्फॉर्मेटिक सेंटर है उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। इसके साथ साथ जो हम गर्ल्स के लिए स्पेशली टॉयलेट्स और गर्ल्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको हम एक प्रायोरिटी बना रहे हैं। पिंक सोसाइटीज आई बिलीव कि सब स्कूलों में बन गई है। आपके स्कूल में बन गई है पिंक सोसाइटी बनी है आपके स्कूल में? हर स्कूल में बना है। तो पिंक सोसाइटी का हमारा मेन मकसद यही है कि हम बच्चों को बताएं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आपने कितना ध्यान अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे देना है। हम बारामूला में चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन तक बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुँचे, बेस्ट नॉलेज पहुँचे। हम गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं बल्कि हम प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के साथ भी ये ट्रेनिंग करवाना चाहेंगे लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल्स की रहेगी। और हम चाहेंगे कि आप सारे जितने भी टीचर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करें बहुत सीरियसली इसको लें और जो हम नई टेक्निक्स आपको बता रहे हैं मैंने अभी पढ़ रही थी कि क्या क्या टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी तो उनको क्योंकि ये आपके लिए नई होंगी इनको प्रॉपरली आप समझें और इन पे जो है अमल करने की ज़रूरत है। जो आप नॉलेज यहाँ से ले रहे हैं बाद में जब आप स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर्स जो है हमारे पिवोटल होते हैं किसी भी कंट्री के लिए एक पिवोटल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ही है।
देखिए आज जो हमने 3 दिन का ये सेमिनार किया है, बेसिकली ये टीचर्स की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स, जिसमें एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हम सारे हमारे जितने भी 18 जोन्स हैं टीचर्स, हम अकॉर्डिंग टू NAS सर्वे जो भी लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनके बारे में ट्रेन कराया जाएगा, ताकि टीचर्स ट्रेन हो कि हमने लर्निंग आउटकम्स कैसे इम्प्रूव कराने हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स की, मास्टर टीचर्स की होगी, वो आगे टीचर्स को फर्दर ट्रेन करेंगे और फिर वो बच्चों में वो जो है उसको हम लाएंगे। ये 3 दिन का प्रोग्राम है और इसमें सारे टीचर्स जो हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, उनको फाइनली वी विल रीच टू ऑल द टीचर्स इन बारामूला। और इसके साथ साथ जो आज हमने यहाँ इनॉग्रेट किया है, इसमें मैं टीचर्स को ये भी बताया है कि आप ना ही सिर्फ ये देखिए कि टीचिंग कैसे करनी है और हाउ टू इम्प्रूव देयर लर्निंग आउटकम्स, बट एट द सेम टाइम बच्चों में ये भी तरगीब दें कम्युनल हारमोनी के बारे में, ड्रग डी एडिक्शन के बारे में, हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन द सोसाइटी, आप एक अच्छे सिटीज़न कैसे बन सकते हैं, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव एंड जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है बच्चियों की, उसके बारे में भी कुछ सेशंस हों, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग जो है, बिकॉज वी आर कॉलिंग ऑल टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट जोन्स, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए इन सारे टीचर्स की, ताकि फर्दर जो हमारे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स भी इम्प्रूव हों और एज सच भी जो हमारे बच्चे में बाकी भी इशूज़ जो आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत हम उनको सेंसिटाइज कर सकें। देखिए मैंने आपको बताया कि हम बारामूला में पिंक सोसाइटीज़ तो हमने बनाई हैं जो रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है बच्चियों की उसको देखेगी। इसके साथ साथ जो हेल्थ रूम्स हैं काफ़ी स्कूलों में हैं, जहाँ नहीं है वी विल इशू ऑर्डर्स कि ये हेल्थ रूम्स भी हों ताकि फर्स्ट एड उनको मिले। और जो हमारे RBSK की टीम्स हैं जो स्कूल हेल्थ कार्ड्स मेंटेन कर रही हैं, उन पे भी हमारी पूरी नज़र है कि वो स्कूलों में जा रहे हैं, आंगनवाड़ीज़ में जा रहे हैं, देख रहे हैं कौन अनीमिक है, तो अनीमिया पे स्पेसिफिकली हमारा एक फोकस रह रहा है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चों में लर्निंग आउटकम्स इसलिए भी कम है बिकॉज दे आर अनीमिक, इवन मेल्स, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चियाँ अनीमिक है, 70% जो है मेल्स भी अनीमिक है जिनको माइल्ड अनीमिया भी है, तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू केटर टू बोथ द हेल्थ इशूज़ एज वेल एज एजुकेशनल इशूज़। थैंक यू मैम।